तो दोस्तों लक्ष्य चौधरी ने निकाला है एक ही बंदे से चार वीडियोस का कंटेंट। ऐसे भी लक्ष्य चौधरी एक ही बंदे पे कम से कम चार पांच वीडियोस बना ही देता है, पर इस बार कुछ स्पेशल है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं लक्ष्य चौधरी और देव त्यागी के बीच की कंट्रोवर्सी के बारे में। और कई लोग मुझे कमेंट्स में बता रहे थे कि देव त्यागी ने लक्ष्य चौधरी को पैसे दिए हैं या फिर लक्ष्य चौधरी ने देव त्यागी को पैसे दिए हैं ताकि उन दोनों में से एक का फेम बढ़े। तो इस भी टॉपिक पे मैं आपको खुलासा करने वाला हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार लक्ष्य चौधरी ने देव त्यागी को रोस्ट क्यों किया और ये टाइटल कहाँ से आया, सस्ता एंटरटेनमेंट। मैं आपको स्विच मारना है, कैसे लड़की का सोशल सर्कल खत्म करना है, कैसे मुट्ठी में कर लें सभी महिलाओं को, कैसे मेरे जैसा किराए का लाइफस्टाइल अफोर्ड करें मात्र 250 रुपए में। भाइयों बहनों, आज आप असली सिग्मा मर्द बनना सीखेंगे मेरी इस वीडियो। अरे मम्मी, हाँ जा रहा हूँ ना। इस कोर्स में पर्सनल 1-on-1 काउंसलिंग भी अवेलेबल है और एक दो काउंसलिंग तो इन्होंने अपलोड भी की हुई है। लड़कियाँ खुद तुम्हारी मार्केटिंग करेंगी। लड़कियाँ मार्केटिंग के मतलब लड़कियाँ मार्केटिंग करती है। अच्छा, मैं प्रोडक्ट हूँ, मुझे बिकना है। तो गाइस, लड़कों, अगर तुम्हें बिकना है तो तुम्हें आज सिखाएंगे देव द सस्ता एंड्रयू टेट। मतलब अब तुम्हें मर्द होने के लिए भी किसी और से 250 रुपए देकर सीखना पड़ेगा और लाइफ का सिर्फ एक ही फोकस बनाने का, सिर्फ एक गोल, लड़की कैसे पटाए, लड़कियां कैसे दबोचे, मार्केटिंग कैसे कराएं अपनी। और देखो भैया, ये तो बहुत पुराना रिश्ता है मार्केटिंग का और कोट पैंट पहनने का। तो जब वो अपने दोस्तों के बीच में बैठेगी तो वो हमेशा पता क्या कहेगी, अब ये तो कुछ भी नहीं है। देव पता क्या करता है ऐसी सिचुएशन में। देव ने एक बार ऐसे करा, देव, बस तुम्हें सोचो तुम्हारे आसपास कोई 24 घंटे ये बोलता रहे कि बैंकर यार मर्सिडीज गाड़ी कितनी बढ़िया है, मर्सिडीज में ये है, मर्सिडीज में वो है। तुम कहीं ना कहीं ना तुम्हारे दिमाग में मर्सिडीज को लेके एक क्रेविंग पैदा हो जाएगी। अच्छा, मतलब लड़के मर्सिडीज हैं हमें। तो दोस्तों, आपको इस क्लिप को देखने के बाद मालूम पड़ ही गया होगा कि आखिरकार लक्ष्य चौधरी ने देव त्यागी को रोस्ट किया क्यों। तो दरअसल जो ये देव त्यागी है, ये बहुत ही बड़ा फ्रॉड और स्कैमर है और इसने अपनी ऑडियंस के साथ इतना बड़ा स्कैम किया है ना गाइस, मैं आपको बता भी नहीं सकता। सबसे पहले तो इसने लड़की पटाने के कोर्स डाले जो कि इल्लीगल है और फेमिनिस्ट रूल के अगेंस्ट है। इसके तहत उसको 1 साल की जेल भी हो सकती है। और उसके बाद उसने कुछ अलग अलग तरह से लोगों की प्राइवेसी की छेड़छाड़ की, जिसके लिए उसे 3.5 लाख रुपए भी भर सकते हैं जो कि उसके पास होंगे नहीं, मतलब उसे जेल ही जाना पड़ेगा। और कई लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि कई लोगों को लगता है कि लक्ष्य चौधरी ने देव त्यागी को पैसे दिए हैं ऐसी सारी चीज़ें करने के लिए ताकि लक्ष्य चौधरी को कंटेंट मिल जाए। और कई लोगों को लगता है कि देव त्यागी ने लक्ष्य चौधरी को पैसे दिए उसे लोस्ट करने के लिए ताकि उसका फेम बढ़ जाए। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है और ऐसा है भी नहीं, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा नुकसान देव त्यागी का ही है। लक्ष्य चौधरी को तो बेचारे को बस एक छोटी सी कंट्रोवर्सी के साथ बहुत ही ज़्यादा भरपूर पैसा मिल रहा है क्योंकि उसके पास 4 वीडियोस का कंटेंट है। तो ऐसा नहीं है उन्होंने उस पर पैसा इन्वेस्ट करा था, जिनका पैसा मेरे कंटेंट पे बेस्ड था। लक्ष्य चौधरी ने मेरा कंटेंट ही उड़वा दिया है। तुम्हारा पैसा लक्ष्य चौधरी वापस करेगा। मैं तो भैया लैटरिन के गड्ढे में चला गया, ठीक है। तो ना तो मैं अब इंटरनेट पे हूँ और ना मैं अब कभी इंटरनेट पे आऊँगा, और मेरा यूट्यूब चैनल उड़ने ही वाला है तो ना मैं अब कभी यूट्यूब पे आऊँगा। कंपनी का नंबर मेरा बंद हो चुका है। तो देखो यार, सबसे पहले इसने अपनी ऑडियंस के साथ ही बहुत बड़ा वाला स्कैम किया। इसकी चूतिया ऑडियंस इस पर इतना भरोसा करने लग गई कि इसने अपनी कंटेंट के शेयर्स बेच दिए उनको। कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ। लेवल अप ट्रेड क्या होता है मैं आपको ये भी बता दूंगा। तो सबसे पहले इसने टेढ़े मुंह वाली शक्ल से अपनी कुछ वीडियोज़ बनाई, उसके बाद उनको इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पब्लिश कर दिया। और कई लोगों को ऐसा लगा कि वाह यार, इसके पास तो बहुत नॉलेज, इसके पास वो बहुत पैसा है, ये हमें बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करेगा। और इसके बाद इसने अपने सस्ते 250 रुपए वाले कोर्स भी बेचना शुरू कर दिए। उसके बाद जब उसका मन नहीं भरा और ये गरीब हो गया, तब उसने एक आइडिया लगाया और अपनी ऑडियंस को अपने कंटेंट के शेयर बेच दिए और कई चूतिया ऑडियंस ने इसके शेयर्स खरीद भी लिए। और अब होना भी क्या था, जैसे कैरी ने टिकटॉक गिराया, मोदी ने पबजी गिराया, वैसे ही लक्ष्य चौधरी ने इसका चैनल गिरा दिया, ऐसा उसको लगता है। लेकिन इसका चैनल क्यों उड़ा उसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। तो देखो यार, ये सबसे पहले तो ऑडियंस के नंबर लीक कर रहा था अपनी वीडियोस में, और साथ ही साथ प्राइवेसी से इशू हो रहा था यूट्यूब को इसका, और ये कुछ बुलिंग कंटेंट बना रहा था वुमेन्स फेमिनिस्ट के ऊपर, ये कंटेंट बना रहा था, इसी वजह से यूट्यूब ने इसका चैनल गिरा दिया।
पर इस बंदे को ऐसा लगता है कि लक्ष्य चौधरी ने ही इसका पूरा चैनल गिराया। पर उस चूतियों को ये नहीं मालूम कि आखिरकार एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर का चैनल कैसे गिरा सकता है, उसमें उसी का कंटेंट की प्रॉब्लम थी। तो यार देखो, ऐसे चूतिया लोगों से जितना दूर हो सके उतना दूर रहो, और साथ ही साथ हमारे कंटेंट को सपोर्ट करो जो कि आपको एकदम रियल और अच्छी वाली इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो यार दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर दो यार, हमें जल्द से जल्द इस चैनल पर 1K कंप्लीट करना है। और हाँ, आपका हमें पहले जैसा सपोर्ट था वैसे ही प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू।